हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान की फिल्म पठान के बारे में। वेल फ्रेंड्स, वो कहता है ना कि इंडस्ट्री में जब भी कोई फॉर्मूला हिट हो जाता है, तब गाइस जो प्रोडक्शन हाउस रहती है, यानी कि वो डायरेक्टर रहता है या फिर कोई एक्टर रहता है जो कि एक जॉनर में फिट हो जाता है, तब गाइस वो उसको इतना अच्छे से यूटिलाइज करते हैं कि इट मेक्स रिकॉर्ड्स, इट मेक्स ब्लॉकबस्टर्स। एंड गाइस 2004 में वायरा फिल्म्स को एक अच्छा फॉर्मूला नहीं कहूंगा, एक ब्लॉकबस्टर फॉर्मूला मिल चुका था, जिसने अपना जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है उसको 2019 में क्रॉस किया और हमारे सामने वॉर जैसी एक फिल्म आई। वेल फ्रेंड्स, 2004 में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जॉन इब्राहिम वर्सेस अभिषेक बच्चन धूम में एक साथ आएंगे, एक विलन बनेगा, एंटी हीरो कह सकते हैं उसको, विलन नहीं कहेंगे, एंड एक साइड पर अभिषेक बच्चन होगा। वो फिल्म कितनी बड़ी हिट हुई आप सभी लोग जानते हो। धूम 2 में फिर से अभिषेक बच्चन के सामने ऋतिक रोशन आए। उस टाइम अभिषेक बच्चन वॉज अ बिग नेम, उनकी सारी की सारी फिल्में हिट होती थी, चाहे बंटी बबली हो, सरकार हो, ब्लफ मास्टर हो, गुरु हो, ही वॉज अ बिग नेम दैट टाइम 2006-2007। लेकिन गाइज यशराज हिट गोल्ड व्हेन दे ब्रॉट ऋतिक रोशन वर्सेस टाइगर श्रॉफ इन 2019। ये जोड़ी इतनी सक्सेसफुल है कि ऑलमोस्ट 317-318 करोड़ का नेट बिजनेस करके गए इंडिया में। एंड नाउ दे नो कि अगर हम दो बड़े हीरोज को लेते हैं एंड साथ में भिड़ाते हैं तो जो बड़ा सुपरस्टार है उसकी जो फैन फॉलोइंग साथ में आएगी, तो दूसरा स्टार आने वाला है वो अपने फैंस खुद लेकर आएगा। एंड गाइस, जब एक्शन की बात आती हो तो जॉन इब्राहिम का नाम बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ एक्शन, इन टर्म्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग, इन टर्म्स ऑफ माचो इमेज। जॉन इब्राहिम ने अपनी एक अलग ही छोटी सी इंडस्ट्री बना दी है। अगर आपने मेरा एपिसोड नहीं देखा जहाँ पे मैंने आपको ऑलमोस्ट जॉन इब्राहिम की 7-8 फोर्थकमिंग फिल्म्स बताई थी, आप वो एपिसोड जरूर जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि जॉन इब्राहिम अपनी एक इंडस्ट्री बनाकर चल रहा है जहाँ पे वो अच्छी अच्छी आउट ऑफ द बॉक्सेस फिल्म कर रहा है। वेल फ्रेंड्स, आई हैव ह्यूज न्यूज फॉर यू। ह्यूज मीन्स ह्यूज इन टर्म्स ऑफ कास्टिंग। यहाँ पर पठान में एक बहुत बड़ा इंक्लूजन हुआ है। वायरल का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब भी कोई न्यूज वहां से आती है एंड वो न्यूज कंफर्म भी हो तो वो उसकी जो टीम रहती है वो उसको एंड तक डिनाई करती है जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाता। वायरफ की कोई भी न्यूज कंफर्म करना बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है। लेकिन गाइस, फाइनली आफ्टर मंथ्स ऑफ यू नो यस नो यस नो, फाइनली जॉन इब्राहिम के ऊपर बहुत ही बड़ा कंफर्मेशन आया है। ये बात ऑलमोस्ट आज से 25 दिन पहले ही बाहर आ गई थी कि जॉन इब्राहिम इज गोइंग टू फाइट इट आउट विद SRK इन पठान, डायरेक्टेड बाय सिद्धार्थ आनंद। लेकिन गाइस, ऑफिशियल टीम से कंफर्मेशन आने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन फाइनली गाइस, द बिग न्यूज इज आउट ऑफ द बैग। इट इज गोइंग टू बी जॉन इब्राहिम वर्सेस शाहरुख खान इन शाहरुख खान्स कमबैक फिल्म आफ्टर 2 years, पठान। यस फ्रेंड्स, जॉन इब्राहिम हैज अग्रीड टू डू दिस फिल्म एंड इसकी शूटिंग शुरू होने वाली जैन में। वेल फ्रेंड्स, ये बात तो आपको माननी होगी कि जो अक्टूबर की डेट थी जहाँ पर पठान फिल्म की शूटिंग होने वाली थी, ये सब लोगों को पता थी कि अक्टूबर में होने वाली थी। आई थिंक 1 September 2020 को मैं पहला आदमी था जिसने आपको बताया था कि नहीं, अब जो फिल्म है वो अक्टूबर में नहीं स्टार्ट होगी, वो फिल्म अभी दिसंबर एंड में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगी। एंड गाइस, आई हैव एक्सक्लूसिव डिटेल्स कि ये फिल्म कब आएगी। वेल फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में, पहले 1 September का जो एपिसोड था, वहां मैंने आपको बताया था किस तरह से ये फिल्म अपनी जो गांधी जयंती का डेट है वो रिलीज डेट मिस कर देगी, क्योंकि फिल्म ऑब्वियसली 3-4 महीने आगे पोस्टपोन हो गई है। लेकिन नहीं गाइस, इनका जो स्केड्यूल है वो गांधी जयंती पर डॉट रिलीज करने की प्लानिंग पे है। तो कैसे चलेगा, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। वेल फ्रेंड्स, इस फिल्म की शूटिंग जैन के फर्स्ट वीक में शुरू होगी एंड ये पूरा का पूरा फॉरेन लोकेशन होगा। अब फॉरेन लोकेशन कैसा होगा मैं आपको समझाता हूँ। गाइज, YFX जो यशराज की कंपनी है वो कितनी स्ट्रांग कंपनी हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ VFX, आप सब जानते हो। एंड व्हेन शाहरुख खान कम्स ऑन बोर्ड, वी हैव YFX प्लस रेड चिलीज ऑन बोर्ड। तो जस्ट इमेजिन कितना स्ट्रांग इस फिल्म का VFX होगा। एंड यशराज अब आजकल अपने स्टूडियोज में, नॉट ओनली यशराज बट ऑल्सो NY VFX वाला अजय देवगन अपनी सारी की सारी फिल्में स्टूडियोज में शूट करता है, लाइक यू नो फॉरेन फिल्म्स, एंड पूरा उसको क्रोमा के जरिए, VFX के जरिए एक अलग बैकग्राउंड देता है। हमने वॉर में देखा, वॉर की इतनी प्लेन सीक्वेंसेज है, सारे के सारे स्टूडियोज में शूट है। तो गाइज, पठान के बहुत सारे सीक्वेंसेज इंडिया में शूट होंगे लेकिन नॉट ऑन आउटडोर लोकेशंस, ये YRF के स्टूडियोज में शूट होंगे। एंड पूरे के पूरे जो आउटडोर लोकेशंस होंगे, यानी कि एक्शन सीक्वेंसेस होंगे, वो सारे के सारे फॉरेन लोकेशंस में होंगे। एंड इसकी शूटिंग January 5th बोल रहे हैं कि January 5th को शाहरुख खान खुद अपने अकाउंट से पोस्ट करेंगे। यस, 27 September को अनाउंसमेंट होने वाली है, लेकिन January 5th को शाहरुख खान खुद बताएंगे कि अब शूट शुरू हो रही है। एंड गाइस, ये एक 1 marathon schedule होगा
एंड शाहरुख खान सिर्फ और सिर्फ एक ही फिल्म पर काम करेंगे उसी समय पर, एंड ये थर्ड वीक ऑफ जुलाई। यस फ्रेंड्स, जुलाई के थर्ड वीक में ये फिल्म रैप अप हो जाएगी। देन वी हैव ऑब्वियसली अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। दिस फिल्म स्टेज फॉर द गांधी जयंती रिलीज, यानी कि जो 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर का डेट था जहां पे फिल्म रिलीज होने वाली है, ये वहीं पर रहेगी। हाँ, अगर थोड़ा बहुत शेड्यूल इधर उधर हुआ तब ये फिल्म शायद आगे रिलीज होगी, लेकिन फॉर राइट नाउ गांधी जयंती इज कंफर्म फॉर पठान। इट विल बी जॉन अब्राहम वर्सेस शाहरुख खान। फार एक्शन होगा, स्टाइलाइज एक्शन होगा, बहुत ही जबरदस्त एक्शन होगा, एक्शन नेवर सीन बिफोर, नेवर माउंटेड। इसकी जितनी भी एक्शन टीम है, इसकी जो एक्शन की कोरियोग्राफी है, जो स्केचबोर्ड रहते हैं, सारे के सारे चीजों पर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन गाइस, जो फीमेल लीड है इस फिल्म की, अभी तक उन्होंने फिल्म को कंफर्म नहीं किया है, फिल्म पे साइन नहीं किया है, इसलिए गाइस उस पर भी कमेंट में नहीं करूंगा फिलहाल। जैसे कुछ ऑफिशियल आएगा, यानी कंफर्मेशन आएगी फीमेल लीड पे, तब हम बात करेंगे। लेकिन मेरा भाई, जब शाहरुख खान वर्सेस जॉन इब्राहिम हो तो फीमेल लीड कौन देखेगा? आई डोंट नो दैट। हाँ, फिल्मों में ग्लैमर चाहिए तो उसके लिए फीमेल लीड भी चाहिए, लेकिन मेरा भाई, व्हेन देयर इज शाहरुख खान इन द फिल्म, आई डोंट नो वॉट पीपल नीड अपार्ट फ्रॉम शाहरुख खान। गाइस, शाहरुख खान कमिंग बैक इज द बिगेस्ट थिंग फॉर हिज फैंस, एंड वो भी वो जॉन इब्राहिम के साथ भिड़ने वाले हैं। वी ऑल स्टिल रिमेम्बर तंगावल्ली, निकेतन धीर इतना बड़ा था, सब लोग ट्रेलर देख के बोल रहे क्या बच्चे था, शाहरुख खान कैसा मारेगा उसको। दैट फाइट, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, चेन्नई एक्सप्रेस का जो क्लाइमैक्स है, जिस कन्विक्शन से शाहरुख खान ने तंगावली को मारा था, इट वॉज रियली अमेजिंग। कन्विक्शन लग रहा था, हाँ छोटे दिखते शाहरुख खान उनके सामने, निकेतन धीर के सामने, लेकिन बराबर मारा, मजा आ गया देखने में। एंड यहाँ पर जॉन इब्राहिम जो सामने भिड़ेंगे शाहरुख खान के साथ, इट विल बी अ ट्रीट टू वॉच किस तरह से ये जो कैट एंड माउस का गेम है दोनों के बीच में किस तरह से अंजाम आता है। एंड सिद्धार्थ आनंद, मैन ही कैन मेक सम फैंटास्टिक एक्शन फिल्म्स। बैंग बैंग की एक्शन कोरियोग्राफी आपने देखी है, वॉर की एक्शन कोरियोग्राफी देखी है आपने, उनके जो एक्शन ब्लॉक्स रहते हैं, यानी कि एक फिल्म में 5 एक्शन ब्लॉक लेके चलता है वो, वॉर का प्लेन सीक्वेंस हो, जहां पे उनको दोनों को अरेस्ट, किडनैप कर लेते हैं, ऋतिक रोशन को, टाइगर उसको बचाता है, वो सीक्वेंस हो, उसके बाद ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ की जुगलबंदी हो, गन फाइट वाला क्लाइमैक्स सीक्वेंस हो, आर्टिक सर्कल का चेज हो, बाइक इंटरसिटी चेज हो, वॉर की एक्शन सीक्वेंसेस इन सिद्धार्थ आनंद मूवीज इटसेल्फ इज अ ह्यूज डिलाइट टू वॉच। यहाँ पर बहुत सारे एक्शन ब्लॉक्स प्लान किए गए हैं, देयर इज गोना बी चेस सीक्वेंसेस बिटवीन एसआरके एंड जॉन इब्राहिम, कन्फ्रंटेशन सीन्स, डायलॉग्स, नरेटिव, बहुत ही तगड़ी होने वाली फिल्म। शाहरुख खान सोच समझ के इस बार फिल्म साइन किए हैं, उन्होंने यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से डिसीजन लिया है, एंड आई एम श्योर दिस फिल्म विल बी ह्यूज। बजट इस फिल्म का फाड़ होने वाला है, शाहरुख खान वाईआरएफ जॉइनिंग हैंड्स टुगेदर, बहुत ज्यादा पैसा पंप होने वाला है इसमें, तो द स्टेक्स आर हाई एंड द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द फैंस आर हाई। गाइस, शाहरुख खान कोई छोटा मोटा स्टार नहीं है मेरा भाई, अभी 2 साल ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं कि उनकी बादशाह खत्म हो चुकी है। द डे ही बाउंसेस बैक, जो थिएटर में लाइन लगेगी मेरा भाई, खतरनाक होगा, गेटी देखने लायक होगा। तो दिस फिल्म इज नॉट स्टॉपिंग, दिस विल बी अ कैनन, दिस विल बी अ बजूका एट द बॉक्स ऑफिस। ओके गाइस, एंड ऐसा सभी लोगों को पता है पठान का बस कितना स्ट्रॉन्ग है, पिक्चर रिलीज भी नहीं हुई, अनाउंस भी नहीं हुई है, अभी से पब्लिक को पता है कि पठान आ रहा है, क्योंकि भाई शाहरुख खान आ रहा है। ओके, सो पसंद है प्लीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई यू एक्साइटेड फॉर जॉन इब्राहिम वर्सेस शाहरुख खान? बताइए कमेंट सेक्शन में। टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे कूल मैन।